एचआर बनना चाहते हैं हम, बट क्यों, क्या है पर्पस? बहुत सारे लोग मुझे डिफरेंट डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे यही मैसेज करके कह रहे हैं कि मेरी क्वालिफिकेशन ये है, मैम मुझे एचआर बनना है, मेरी क्वालिफिकेशन ये है, मुझे एचआर बनना है, मैं इस प्रोफाइल से हूं लेकिन मुझे स्विच करना है एचआर में। लेकिन क्यों करना है, क्या आपको अपना पर्पस पता है? अगर नहीं पता है और अगर यही सोच रहे हैं तो सही आए हैं, क्योंकि आज हम साथ में मिलकर इसको डिस्कस कर लेंगे। हेलो एवरीवन, दिस इज सुगंधा एंड यू वॉचिंग रेडी टू गेट अपडेट एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि व्हाई एचआर, एचआर ही क्यों, क्यों हमें ह्यूमन रिसोर्स प्रोफाइल में जाना है। तो आज मैं देने वाली हूँ कुछ ऐसे पर्पसेस और कुछ ऐसा आपका इंटरनल पर्सनैलिटी पे हम बात करेंगे। अगर वो चीजें आपके अंदर हैं या आप डेवलप करते हैं तो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा एचआर प्रोफाइल में, राइट? सो चलिए डिस्कस करते हैं। और उससे पहले कुछ भी नहीं, चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर दीजिए और वो जो क्यूट सा बेल आइकन है उसको हिट कर दीजिए, बिकॉज ऐसे सेशंस जो आप मुझसे रिक्वेस्ट करते हैं किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे वो आपको मिलेंगे नोटिफिकेशन फीड में। और दूसरा चैनल मेरा रेडी फॉर एसएस इंग्लिश चाहिए, उसको भी सब्सक्राइब कर दीजिए। और अब चलते हैं कंटेंट की तरफ। तो चलिए कंटेंट में हम बात करते हैं हमारा पर्पस क्या है। अगर हमारा पर्पस है सैलरी, कि सैलरी अच्छी होती है, मतलब किसी से सुनी कि यार नॉर्मल प्रोफाइल्स में इतनी नहीं है, इसमें इतनी अच्छी होती है, तो हमें एचआर बनना है। दूसरा है अगर हमें लगता है यार बहुत रिप्यूटेशन और फेम होता है, मतलब सैलरी अगर नॉर्मल भी है तो भी यार एचआर की बहुत सेव होती है कंपनी में, है ना, एचआर को बहुत पूछा जाता है, अगर इस तरीके की चीज है तो हम एचआर बनना चाहते हैं। और तीसरी चीज है कि यार जॉब करनी है, तो कोई भी जॉब करनी है तो हम एचआर बनना चाहते हैं, तो चलो एचआर बन लेते हैं, मतलब एक जॉब चाहिए तो एचआर की ही क्यों नहीं, राइट? अगर ये तीन रीजन है तो प्लीज दोबारा से सोचिए, क्योंकि अब मैं बताने वाली हूँ कि एक्चुअल में आपको क्या सोचना चाहिए अगर आप एचआर बनना चाहते हैं, राइट? तो ये तीन रीजन मैंने आप तक छोड़ दिए कि अगर आप ये सोचते हैं तो अब आगे की थोड़ी सी चीजें और भी सोच लीजिए। तो चलिए अब आगे की क्या चीजें हैं, यहाँ पे मैं बात करने वाली हूँ। अगर आप ये ऊपर की तीनों चीजें सोचते हैं तो मैं बता दूं फ्यूचर में क्या होगा। आप समझेंगे कि आप एक थैंकलेस जॉब कर रहे हैं, आपकी कोई वैल्यू नहीं है और आप मोनोटोनस फील करेंगे, थोड़े टाइम बाद यूजलेस फील करेंगे, आपको लगेगा यार नाम क्या है ये, तो मतलब एचआर कह तो दिया लेकिन यहाँ तो कोई भी कुछ भी सुना जाता है, यहाँ तो ओनर्स कोई भी इंस्ट्रक्शन दे देते हैं, एम्प्लॉयज कुछ मानते नहीं है, और कितना ही कर लो एम्प्लॉयज के लिए, कितना ही कर लो ओनर्स के लिए, यहाँ तो हमारे लिए कोई जगह ही नहीं है। मतलब आने से पहले तो बहुत एचआर किया जाता है और उसके बाद जब हम इस कंपनी में हैं तो हमें ऐसे ट्रीट किया जाता है जैसे फॉर ग्रांटेड, मतलब ठीक है काम कर रहे हो ना, क्या हो गया। अगर आप ऊपर की तीन चीजें सोच रहे हैं क्योंकि आपके पास कोई पर्पस नहीं है, ये सिर्फ कैजुअल वो चीजें हैं कि यार सैलरी वो किसी भी प्रोफाइल में मिल जाएगी, जॉब वो किसी में भी मिल जाएगी, और दूसरा आप सोच रहे हैं कि खाली वो एक पोजीशन एचआर वो बहुत बड़ी चीज है, तो ये तीनों चीजें सोच रहे हैं तो आपके साथ यही होने वाला है। कुछ समय बाद आप मोनोटोनस फील करेंगे, आप थैंकलेस जॉब फील करेंगे, आप वैल्यूलेस फील करेंगे, आपको ऐसा लगेगा यार मुझे नहीं, अब मुझे स्विच करना है, बस बहुत हो गया, राइट? और ये सब बेकार है। जैसे कि मुझे बहुत लोग इस तरीके से मैसेज करते हैं कि यार कितना मेहनत कर लो, कुछ भी कर लो, यार एचआर की प्रोफाइल बेकार है। बट अगर आपका जो इंटरनल पर्सनालिटी है, जो आपका सोचने का तरीका है, जो आपका थॉट प्रोसेस है, वो कुछ ऐसे मिलता है इन तीन चीजों से, तो आप ये कभी फील नहीं करेंगे। सबसे पहली चीज, आप एक इमोशनल प्लस प्रैक्टिकल पर्सन है। यस, अगर आप ये जानते हैं कि आपको अपने इमोशंस को कहाँ तक रखना है और प्रैक्टिकलिटी कहाँ अप्लाई करनी है, तो आपको कभी भी ये नहीं लगेगा। इमोशंस की बात मैं यहाँ काम में क्यों कर रही हूँ, आप सोच रहे होंगे यार जॉब में तो कहते हैं काम है, काम को काम तक रखो, वहां पे इमोशंस की क्या जरूरत है। बिल्कुल जरूरत है, क्योंकि यहाँ पे आप मशीन से डील नहीं कर रहे हैं। मैंने पहले भी कई बार इस बारे में डिस्कस किया है कि हम बात करने वाले हैं ह्यूमन से। जैसा कि मैं आज आपसे इंटरेक्ट कर रही हूँ वन टू वन, मैं ये वन टू वन ही कनेक्शन समझती हूँ कि जो भी मुझे देख रहा है मैं उससे वन टू वन कनेक्ट हो रही हूँ। ह्यूमन रिसोर्स प्रोफाइल में अगर आप हैं तो आप किसी भी पर्सन से वन टू वन कनेक्ट होंगे। आप चाहे बल्क हायरिंग कर रहे हैं, चाहे कैसी ही हायरिंग कर रहे हैं, उनके लिए आप एक पर्सन है, वो ही एक पर्सन आप कंपनी है उनके लिए, और आपके लिए वो एम्प्लॉयज हैं, राइट? कोई मशीन्स नहीं है कि किसी को उठा के कहीं भी रख दिया, किसी से कैसे भी काम ले लिया, कितने घंटे तक ले लिया और उसको उसकी सर्विसिंग तक नहीं करी। जैसे मशीन्स में बहुत बार ऐसा होता है कि प्रॉपर सर्विसिंग नहीं हुई या कभी ऐसी छोड़ दी या कुछ भी हो गया। वो ह्यूमन बीइंग है, उनके पास माइंड है, थॉट प्रोसेस है, राइट? तो उनके इमोशंस, उनके फीलिंग्स, उनके थॉट्स को जानना जरूरी है, उनके हिसाब से उन्हें फैसिलिटीज देना जरूरी है, उनकी सुनना जरूरी है, राइट? और प्रैक्टिकलिटी की बात मैं यहाँ पर क्यों कर रही हूँ, क्योंकि प्रैक्टिकल अगर आप नहीं होंगे तो हमेशा इमोशंस में ही बहेंगे। मतलब काम तो एक्चुअल में काम की तरह ही होना है, तो आपको ये बैलेंस पता होना बहुत जरूरी है कि इमोशनल साइड क्या है, जहां मुझे लोगों की इमोशनल चीजों को समझना है और मैं उन्हें कैसे सॉर्ट आउट कर सकती हूँ, एंड दूसरा प्रैक्टिकली मुझे कैसे अप्लाई करना है, मुझे काम भी कैसे लेना है, कहाँ पे किसको लगाना है, क्या प्रोसेसेस करवानी है, राइट? सो अगर आपका ये बेसिक नेचर नहीं है, आप इस तरह से नहीं सोचते हैं, तो थोड़ी सी प्रॉब्लम जरूर आएगी। ओके,
सेकेंड चीज, हेल्पिंग पीपल गिव्स यू सैटिस्फैक्शन। यस, अगर लोगों की हेल्प करना आपको सैटिस्फैक्शन देता है, आपने जॉब दी और वो जो स्माइल आई लोगों के फेस पे, जो वो थैंक यू मेल आया, वो खाली एक थैंक यू मेल, ऐसे मत समझिए कि ये तो फॉर्मेलिटी है, इन्होंने कहीं से देखा होगा तो थैंक यू मेल कर दिया। ऑब्वियसली उसकी जॉब लगी है, उसे सैलरी मिलेगी, उसका घर उससे चलेगा, राइट? तो आप उसे जॉब प्रोवाइड कर रहे हैं, ऑब्वियसली आप प्रोवाइड करने वाले कोई नहीं, आप एक मीडिएटर हैं, राइट? लेकिन आप एक मीडिएटर हैं और मीडिएटर का बहुत बड़ा काम होता है कंपनी को एम्प्लॉयज से जोड़ने का। तो अगर आपको उन्हें हेल्प करना पसंद है, लोगों की हेल्प करना आपको पसंद है, तो आपको बहुत मजा आएगा इस काम में, क्योंकि सैलरी से ज्यादा आपको वो सेटिस्फैक्शन मिलेगा, वो डीप सेटिस्फैक्शन कि यार चलो लोगों की जॉब लग गई मेरी वजह से, यार मैंने इतनों को जॉब लगवा दी। अगर वो चीज़ आपके अंदर है तो आप हमेशा कनेक्टेड फील करेंगे इस प्रोफाइल से, अदरवाइज आपको ये लगेगा अरे यार लोग आते हैं बहुत बकवास करते हैं और ठीक है ना, जॉब ही तो है, मेरी जैसे जॉब है ऐसे दूसरों की जॉब है, कौन सी बड़ी बात है, छूट गई लग गई, राइट? इस तरह से अगर आप सोचेंगे तो सच में आप बहुत बोरिंग फील करने लगेंगे कुछ ही दिनों में, आप कभी भी कनेक्टेड फील नहीं करेंगे इस प्रोफाइल से भी, एंड वही यूजलेस फीलिंग आएगी, थैंकलेस फीलिंग आएगी, राइट? सो अगर आपको अच्छा लगता है लोगों की हेल्प करना तो ये प्रोफाइल बिल्कुल आपके लिए है ही है, राइट? उसके बाद आता है हमारा थर्ड पॉइंट और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड दैट इज कंफ्लिक्ट रिजोल्यूशन। अगर लोगों की प्रॉब्लम सुनना और उन्हें सॉल्व करना आपका फोटे है तो ये प्रोफाइल आपके लिए है। जैसे कि ये मेरा बेस्ट पार्ट है, लोगों की सुनना और उनकी प्रॉब्लम सॉल्व करना। मतलब मैं जब कभी भी इसमें भी चैनल पे भी कमेंट्स देखती हूँ तो मुझसे होता नहीं कि मैं उन्हें इग्नोर कर दूँ, मैं जब देख लेती हूँ तो मैं ज़रूर मैसेज करती ही करती हूँ। बहुत बार लोग मुझे कहते भी हैं कि आप बहुत प्रॉम्प्ट रिप्लाई करते हो, बहुत जल्दी कर देते हो। आई नो स्टिल बहुत सारे मैसेजेस पेंडिंग है क्योंकि मैंने वो व्यू ही नहीं करे हैं। एक बार कई बार ऐसा होता है कि नज़र से एकदम बहुत सारी पड़ गई लेकिन मेरे पास टाइम नहीं है, तो बहुत सारे मैसेजेस हैं तो मैं नहीं रिप्लाई कर पाई। अदरवाइज मुझे बहुत अच्छा लगता है कि जैसे अगर मुझे उस क्वेरी का आंसर पता है तो मैं एकदम से दे। तो अगर कन्फ्लिक्ट रिजॉल्व करना, लोगों की प्रॉब्लम सुनना, उसको समझना और उसको अपने तरीके से सॉल्व करना, जैसे बेस्ट तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं, वो आपका फोटे है, वो आपको पसंद है, तो बस ये प्रोफाइल आपके लिए है। क्योंकि बहुत सारी छोटी छोटी प्रॉब्लम्स लेके लोग आपके पास आएंगे, बड़ी प्रॉब्लम्स भी लेकर आएंगे, लेकिन वो बहुत बार बहुत छोटी छोटी माइनर होंगी और हम सिर्फ इसलिए नहीं सुनेंगे कि यार मुझे क्या करना, भाड़ में जाए। यस, अगर आपका ये भला एटीट्यूड है तो आपको बहुत डिफिकल्टी होगी, आप हमेशा कहेंगे यार सर दर्द हो जाता है शाम तक मेरा, इतने लोग आते हैं मेरे पास। अगर आपका ये वाला एटीट्यूड है तो बहुत प्रॉब्लम होगी। इसी में यहाँ हमने तीन चीज़ें डिस्कस करी, तो अगर आप और भी मैं चीज़ें बताऊँ इसमें कि ऐसे पर्सन है तो आपके लिए डिफिकल्ट होगा। तो अगर आप एक पॉम्पस पर्सन है, अपने बारे में सिर्फ बात करना, अपना सेकंड सेल्फिश है, अगेन वही चीज़ कि मुझे मिलना चाहिए, बस मुझे पावर मिल गई, मुझे पोजीशन मिल गई, मुझे बस ये डेजिग्नेशन मिल गई, मुझे किसी से मतलब नहीं, और तीसरा दुनिया भाड़ में जाए, अगर ये सारी क्वालिटीज आपके अंदर हैं, ये आपको पता होंगी, तो आपके लिए बहुत डिफिकल्ट होगा इस प्रोफाइल से जुड़ना, क्योंकि ये कोई सीट वर्क नहीं है जहाँ आप बैठे और आपने अपना काम किया और आप चले गए इवनिंग को। आपको इंटरेक्ट करना पड़ेगा लोगों से, बहुत ज़्यादा लोगों से कॉल पर बात करनी पड़ेगी, और उसके बाद जो एम्प्लॉयज इंटरव्यू करने पड़ेंगे, एम्प्लॉयज जो आपके बनेंगे उनसे भी बहुत ज़्यादा इंटरेक्शन होगा, उनकी डे टू डे प्रॉब्लम्स आएंगी, रिपोर्टिंग्स होंगी, बहुत कुछ ऐसा होगा, सब कुछ ह्यूमन रिसोर्स ऑब्वियसली ह्यूमन बींग से ही रिलेटेड है। तो इंट्रैक्शन बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, कनेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर आपको ऐसा लगता है कि नहीं यार ये प्रोफाइल नहीं, यार ये चीज़ मेरे बस की नहीं है, मैं तो बस मेरा मुझे मिलना चाहिए दुनिया जाए, तो भाई ये प्रोफाइल में तो दिक्कत आएगी, ठीक है? सो इसीलिए बस मैंने ये आपको ऐड किया है, ये कहीं लिखा हुआ एक्चुअली नहीं मिलेगा, ये सब प्रैक्टिकल चीज़ें हैं जो मैंने फेस किए, बेयर करी हैं, ये सब चीज़ें मुझे बहुत पसंद है, इसलिए ये प्रोफाइल मेरे लिए डेफिनेटली बहुत अच्छा है। आप देखिए आपके लिए ये सूटेबल है नहीं है, ये बिल्कुल लीग से हटकर, मतलब एक टिपिकल स्किल्स और क्वालिफिकेशन एज एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया से अलग हटकर, ये वो वाली साइट है जब हम जॉब में काम करते हैं तो जो प्रॉब्लम्स आती हैं उससे रिलेटेड चीज़ें हैं, राइट? यार एचआर प्रोफाइल में ना कुछ ऐसी डार्क रियलिटी है जो हम समझ ही नहीं पाते, हमारे आसपास है, हम सब उस चीज के साथ चलते रहते हैं लेकिन हमें ये नहीं समझ में आता, हम फिर भी स्ट्रगल करते रहते हैं, वो क्या है? आई थिंक आपने भी फेस करी होंगी, अगर आपने फेस करी है ना तो मुझे भी जरूर बताएं कमेंट सेक्शन में। लेकिन अगर आप ऐसा सोच रहे हैं कि भाई क्या, तो सही आए, और आज हम डिस्कस करने वाली हैं तीन ऐसी चीजें जो कुछ डार्क रियालिटीज हैं, और सबसे पहली डार्क रियालिटी ये है, नो डेफिनेशन ऑफ राइट कैंडिडेट। यस, राइट कैंडिडेट एट राइट टाइम, जिसको भी कहो भाई एचआर का क्या काम है, राइट कैंडिडेट एट राइट टाइम। जॉब रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज सब जगह आपको नेट पे भी किसी से भी पूछो तो हर कोई ये कहेगा यार राइट कैंडिडेट को राइट टाइम में प्लेस करने का काम एक एचआर का होता है। यार राइट कैंडिडेट की सच में कोई डेफिनेशन नहीं है। यस, क्योंकि आज हम हायर कर देते हैं स्किल क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस सब कुछ देखकर, और उसके बाद कुछ टाइम बाद वो कैंडिडेट में कुछ भी गड़बड़ हो जाती है तो वो राइट कैंडिडेट नहीं रहता, राइट? तो
मतलब राइट कैंडिडेट एट राइट टाइम, ये जो फंडा है ये बस कहने कहने का है। कोई राइट कैंडिडेट नहीं होता है और कोई राइट टाइम नहीं होता है। जब जो कैंडिडेट मिल जाए, स्किल क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस एंड बिहेवियरल चीज़ों को मिला के जो हमारी कंपनी के अकॉर्डिंग सेट बैठ सकता है, बस वही एक राइट कैंडिडेट है, कोई अलग से नहीं है। बहुत सारे एचआर्स और बहुत सारी कंपनीज ये कैंडिडेट नहीं इससे शायद अच्छा, ये कैंडिडेट नहीं इससे शायद अच्छा, और सारी चीज़ें मिलाकर उसके पास हैं, लेकिन जब इंटरव्यू में करा कहीं एक चीज़ कोई स्ट्राइक नहीं हुई तो बस उसको लेफ्ट आउट कर दिया कि यार नहीं, ये राइट कैंडिडेट नहीं है। यहाँ पे मैं कॉम्प्रोमाइज़ करने की बात नहीं कर रही हूँ, स्किल्स पे नहीं कह रही हूँ, क्वालिफिकेशन पे नहीं, एक्सपीरियंस पे नहीं, और बिहेवियरल आउटलुक पे नहीं। ये चारों चीज़ों का कॉम्बिनेशन एक कैंडिडेट में आपको मिल रहा है, उसके बाद भी सेवरल टाइम्स ये होता है कि यार इससे कोई अच्छा कैंडिडेट, राइट? तो अगर ये सारी चीज़ें फुलफिल हो रही हैं तो बस वही राइट कैंडिडेट एट राइट टाइम है। ओके, सेकंड इज अगेन फनी, क्विट्स आर नॉर्मल। यस, हम अपने आप को ब्लेम करते रहते हैं, मैनेजर्स हमें ब्लेम करते रहते हैं, हम मैनेजर्स को ब्लेम करते रहते हैं, ये कैंडिडेट इसलिए टर्न अप नहीं हुआ, ये कैंडिडेट इसलिए नहीं आया, ये इंटरव्यू में क्यों नहीं आया, इसने कॉल तुम्हारी पिक की थी, तुमने ऐसे बात नहीं करी, ये इसलिए नहीं आया, ये इसलिए नहीं आया, और फिर इसने इंटरव्यू का कैंडिडेट का एक्सपीरियंस ऐसा रहा, इंटरव्यू फीडबैक ऐसा रहा, ये रहा वो रहा, उसकी यहाँ से गुडविल वहाँ से गुडविल। क्विट्स आर नॉर्मल। यस, कोई कैंडिडेट नहीं आया है या कोई कैंडिडेट टर्न अप नहीं हुआ है, ये बहुत ही नॉर्मल चीज़ है। कहीं पर नहीं पहुंचना, कहीं पर नहीं आना, ये आप कुछ भी कर लो, ये बहुत ही नॉर्मल है। ये एक ह्यूमन बींग की मेंटालिटी हो सकती है कि नहीं गया, चलो यार चलो देख रहा था, या फिर सब कुछ सेट होते हुए भी कुछ और स्ट्राइक हो गया उसको तो वो नहीं आया इंटरव्यू में, या फिर उसने सब कुछ एक्सेप्ट कर लिया, ज्वाइन करने वाला है ज्वाइन नहीं किया, ऑफर लेटर की स्टेज तक आ गया तब मना कर दिया, कॉली बिक नहीं करी, एक महीने बाद छोड़ दिया, 15 दिन बाद छोड़ दिया। क्विट्स आर नॉर्मल एट एनी स्टेज, ये कभी भी हो सकते हैं, राइट? तो ये भी समझना बहुत जरूरी है। अब आप ये कहेंगे कि इनके सोल्यूशन क्या है, मतलब फर्स्ट का तो मैंने बता दिया, राइट कैंडिडेट राइट टाइम, ये चीज़ें मिल जाएं तो। सेकंड का क्या सोल्यूशन है? जो आपका प्रोसेस है उसको प्रॉपर फॉलो कीजिए। ऐसा नहीं है कि आप पहले ही माइंडसेट में बना के बैठे कि यार क्विट तो नॉर्मल है तो ठीक है फिर कैजुअली लेते रहो, आएगा आए नहीं आएगा नहीं, नहीं इसका मतलब ये नहीं है। यहाँ मैं आपको बिल्कुल लास्ट लेवल की बात बता रही हूँ कि सब कुछ करने के बाद भी ये हो सकता है। तो अगर आप एक मैनेजरियल पोजीशन में, तो यार एग्जीक्यूटिव की जान मत ले लो इस चक्कर में। जान लेने का मतलब वार्निंग्स एंड यू नो उस तरीके की चीज़ें, बहुत ज़्यादा खुद भी परेशान हो जाना और उसे भी परेशान कर देना, वो वाला सिनेरियो नहीं। और आप एग्जीक्यूटिव पे भी हैं तो भी ये ना सोचो अरे यार मेरे टारगेट फुलफिल नहीं हुए, ये नहीं हुए, क्योंकि ये बहुत नॉर्मल है। तो यहाँ पे ये चीज़ बताना मेरा पर्पस है, ये नहीं है कि आप अपने वर्क से डेविएट हो जाएं। काम हमें बिल्कुल वैसे ही करना है जैसे हमें करना चाहिए, प्रोसेस को हमें बिल्कुल वैसे ही फॉलो करना है। थर्ड इज कन्फ्लिक्ट्स। कन्फ्लिक्ट्स बहुत नॉर्मल चीज़ है, कोई पिक्चर परफेक्ट हो ही नहीं सकती। यस, कोई पिक्चर परफेक्ट नहीं होती, कोई भी आपने देखा आजकल तो बहुत ट्रेंड्स हो गया कि कोई भी मूवी लॉन्च हुई उससे पहले उसका कोई ना कोई मतलब निकाल के कुछ ना कुछ उसमें से, सोच भी नहीं सकते कि ये वाला इशू भी कोई निकाल सकता है, वो सारे कुछ इशू निकाल के किसी को कुछ बुरा लग गया किसी को कुछ लग गया, ये सब कुछ चलता रहता है। तो ऐसी सेम चीज़ यह है कि कन्फ्लिक्ट्स बहुत नॉर्मल है, आप कितना कुछ कर लो एम्प्लॉयज़ के पास कोई ना कोई प्रॉब्लम होगी ही। जैसे कि एक एम्प्लॉयर के पास, मैनेजर के पास, बॉस के पास कोई ना कोई प्रॉब्लम होती ही होती है कि वो एक एग्जीक्यूटिव कितना अच्छा कर ले उसके पास ज़रूर कुछ प्रॉब्लम्स उस एम्प्लॉय की होती ही होती है कि यार ये ऐसे नहीं करता, ये नहीं करता, वो नहीं करता, चाहे वो कुछ भी कर ले, राइट? तो ये बोथ वेज है, मैं यहाँ बोथ वेज की बात कर रही हूँ, एम्प्लॉय एंड एम्प्लॉयर बोथ की, कि जैसे कि मैनेजर की भी ये मैनेजर की भी ये हैबिट होती है और ऐसे एम्प्लॉय की भी होती है, ये कुछ भी कंपनी में मिल जाए लेकिन हाँ भाई ये नहीं मिला उस कंपनी में, ये है इसमें, ये है उसमें, ये है। कन्फ्लिक्ट्स आर नॉर्मल, जैसे कि एक रियल लाइफ पर्सनल लाइफ में कन्फ्लिक्ट्स नॉर्मल है, वैसे ही एक प्रोफेशनल लाइफ में भी कन्फ्लिक्ट्स नॉर्मल है। तो बहुत सेंटिमेंटल ना हो, बहुत परेशान ना हो, चीज़ों को स्ट्रीमलाइन करने की कोशिश करें, चीज़ों को प्रोसेस के थ्रू फॉलो करने की कोशिश करें, अपना जो बेस्ट कर सकते हैं वो करें, बहुत ज़्यादा टेंस्ड ना हो। कन्फ्लिक्ट्स के केस में मैं स्पेशली कहूँगी, बहुत बार सिचुएशन ऐसी हो जाती है जो अनकंट्रोलेबल हो जाती है, हर चीज़ के सोल्यूशन होते हैं, कई बार बहुत अच्छे सोल्यूशन अवेलेबल होते हैं, मतलब बहुत ही नॉर्मल से होते हैं, कई बार कुछ स्ट्रिक्ट एक्शंस होते हैं जो लेने पड़ते हैं जो एज पर लॉ होते हैं। ओके, सो बहुत ज़्यादा अपने हेड पर ना कर लें क्योंकि ये सारी चीज़ें नॉर्मल हैं। ये तीन डार्क रियलिटी मैंने इसलिए डिस्कस करी है क्योंकि अगेन बहुत बार रिपीटेड क्वेश्चन मेरे पास आते हैं, मैम ये होता ही है, मैम ये होता ही, चाहे कुछ भी कर लो मैम ये होता ही है। तो यार ये होता ही है, मतलब कुछ भी कर लो मैं का मतलब ये नहीं है कि आप प्रोसेस से डेविएट हो जाएंगे। सबसे पहले तो याद रखिए अपने काम से आप डेविएट नहीं हो जाएंगे, मतलब ये तो एक ये वाली कहानी है कि मैं अपना कितना भी ध्यान रख लूँ लेकिन फीवर हो ही जाएगा, मतलब अब क्या मैं बिल्कुल ही ध्यान रखना छोड़ दूँ कुछ भी करूँ, यू नो
हेल्थ इश्यूज भी तो ऐसे ही होते हैं कि हम चाहे अपना कितना ही ध्यान रख लें यार, चाहे कोई कितना ही वर्कआउट करे, कुछ भी करे, ये करे, अपने डाइट का बहुत ध्यान रखे, लेकिन कुछ सीजनल चीज़ें उसको पकड़ ही जाती हैं नॉर्मली। ठीक है, तो ये वही वाली कहानी है कि ये तीन चीज़ें बहुत नॉर्मल हैं और ये हो जाती हैं। यार कितना ही अच्छा काम कर लो, लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो हमारे ही कंधे पर आएंगी। यस, कुछ चीज़ों का भार ना हमारे ही कंधों को उठाना पड़ेगा, और वो चीज़ें क्या हैं? और आज हम डिस्कस करने वाले हैं ऐसी कुछ चीज़ें, यस तीन चीज़ें ऐसी जिसके लिए हमें रिस्पॉन्सिबल ठहराया ही जाएगा। यस, मतलब अगर हमारा उसमें कुछ खास रोल नहीं भी है ना, तो भी यही कहा जाएगा कि ये काम HR नहीं किया होगा। तो वो तीन चीजें कौन सी हैं? बिना टाइम वेस्ट करे चलते हैं। और सबसे पहली चीज है क्या? नॉट फिट कैंडिडेट। यस, कोई एम्प्लॉय है जिसको हम रिक्रूटमेंट प्रोसेस के थ्रू लाए, हमने उसे हायर किया, सारे प्रोसेसेस फॉलो किए, इंटरव्यू हुआ, शॉर्टलिस्टिंग हुई, उसके बाद अप्रूवल्स हुए, एम्प्लॉय आया, ऑनबोर्डिंग हुई, ट्रेनिंग हुई, कुछ दिन बाद ही उस कैंडिडेट में कुछ प्रॉब्लम हो गई। मतलब कैंडिडेट उतना अच्छा नहीं निकला, बहुत ऑब्वियस है कि हमने सारे स्टेजेस से उसे क्रॉस किया, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ लैक रह गया। और वो सिर्फ हमारे पार्ट पे नहीं है, वो सब स्टेजेस के पार्ट पे है, क्योंकि क्या हुआ, हमने उसको स्क्रीनिंग कॉल दी, तो स्क्रीनिंग में HRs में अलग अलग टीम है, अलग अलग लोग हैं, वो काम कर रहे हैं, हायरिंग मैनेजर ने इंटरव्यू लिया, उसके बाद उसका अप्रूवल हुआ, किससे? सीनियर प्रोफेशनल से। मतलब कई सारे राउंड हुए, टेक्निकल राउंड हुआ, नॉर्मल HR राउंड हुआ, और बहुत सारे लोगों के सामने वो कैंडिडेट आया, और फाइनली सबके अप्रूवल होने के बाद वो कैंडिडेट हायर हुआ। लेकिन क्या हुआ, कुछ दिन में वो कैंडिडेट अच्छा नहीं निकला, तो क्या होगा यार, HR ने किया ये हायर कैंडिडेट। यस, यही होगा। आप लड़ते रहिए, आप किसी को कुछ भी बताते रहिए, कहते रहिए, कोई नहीं मानेगा, कहेंगे यार ये एम्प्लॉयज हायर हो रहे हैं HR से, देखो कैसा आया कैंडिडेट। बहुत ही नॉर्मल स्टेटमेंट है जो आपको सुनने को मिलेगा, तो यूज टू हो जाइए। यहाँ पे मैं इनके सोल्यूशंस भी दूंगी कि इन चीजों से हम कैसे निकल सकते हैं, तो चलिए इसका सोल्यूशन भी डिस्कस कर लेते हैं। और एक रिक्वेस्ट मैं करूंगी कि अगर आपके पास भी इन सब चीजों के कोई सोल्यूशंस है ना, तो मुझे भी जरूर बताएं कमेंट सेक्शन में, और लोग भी हेल्पफुल होंगे और मैं भी हेल्पफुल होंगी कि इसके और अल्टरनेटिव वेज क्या हो सकते हैं। तो सबसे पहला तो भैया, ये जो नॉट फिट कैंडिडेट वाला केस है ना, और अगर आपसे ये बात कोई कहता है, तो आप सीधा सीधा यही कहिए कि आपने अप्रूवल्स के बाद ही ये किया है, एंड यू वर नॉट द सोल पर्सन टू हायर दिस कैंडिडेट। यस, आप बिल्कुल कह सकते हैं इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, कि खाली मैं नहीं हूँ, मेरे उस पर यू नो ठीकरा मत फोड़ो खाली, ये तो मैं लैंग्वेज ऐसे ही आपसे यूज़ कर रही हूँ, प्रोफेशनल लैंग्वेज नहीं है। अगर आपको किसी को आंसर करना है, तो आपके पास पहले आपकी चीज़ें पूरी होनी चाहिए। तो हमें प्रॉपर रिक्रूटमेंट प्रोसेस से जाना है, सारे अप्रूवल्स का ध्यान रखना है, सारे डॉक्यूमेंट्स का ध्यान रखना है, सारे अप्रूवल्स हमें प्रॉपर डॉक्यूमेंट करने हैं, हर जगह हमें जो मेल्स करनी है, जो अप्रूवल्स हैं, वो सब प्रॉपर रखनी है अपने साथ। क्योंकि बहुत बार ये ऐसा भी होता है कि यहाँ तो यहाँ सिर्फ मैं बातों की बात कर रही हूँ कि किसने कमेंट कर दिया, टॉन्ट कर दिया, डिफरेंट है, लेकिन बहुत बार क्या होता है, सीनियर मैनेजमेंट के पास ये चीज़ें जाती हैं। जैसे कई कैंडिडेट ऐसे निकल गए, तो ये लगता है कि यार ये HR क्या हायरिंग कर रहे हैं, HR क्या कर रहे हैं। तो आपके पास अपने आप को प्रूफ करने के लिए, क्योंकि ऑब्वियसली आपसे पूछा जाएगा अगर आपको के अगेंस्ट कोई एक्शन लिया जाता है, तो आपसे ऑब्वियसली पूछा जाएगा, तो आपके पास सारे अप्रूवल्स, सारी चीज़ें होनी चाहिए। इसीलिए स्टेप फॉरवर्ड करने से पहले, हायरिंग करने से पहले, सारे अप्रूवल्स अपने साथ रख लें, और उसके बाद ही ये करें, राइट। अगर यहाँ पे जैसे छोटी ऑर्गेनाइजेशन है, जहाँ ये होता है कि बहुत ही कम लोग हैं अप्रूवल्स देने वाले, वहां पे भी मैं यही रिक्वेस्ट करूंगी कि प्लीज रिटर्न में अप्रूवल जरूर लें। अगर वहां पे रिटर्न में ऐसा नहीं होता है कि बहुत दूर बैठे हुए हैं, अगर ओनर्स नहीं है, स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन में स्पेशली जहाँ पे ज्यादा HRs भी नहीं है और ज्यादा लोग नहीं है, वहां पे बचने के लिए एक बहुत अच्छा तरीका ये भी है कि आप सारी चीज प्रॉपर डॉक्यूमेंट करें, ट्राई करें अगर उनके सिग्नेचर्स मिल सकें, जो भी आपके सीनियर मैनेजर्स हैं, या फिर मैनेजर सीनियर नहीं है, डायरेक्ट आप ओनर से बात करते हैं, एम्प्लॉय से बात करें, तो वो प्रॉपर साइन करें, नहीं करते हैं तो एक मेल, ऑफिशियल मेल उन्हें जरूर डालें पूरे कन्वर्सेशन का, एंड ट्राई टू टेक अप्रूवल। यस, आप उसमें ये भी मांग सकते हैं कि प्लीज सर आप मुझे वापस अप्रूव करके भेज दीजिए, मैं तभी हायरिंग करूंगा। यस, प्लीज ये करना, प्रैक्टिस बहुत जरूरी है, बिकॉज सिर्फ कहने कहने तक तो बात सही है, लेकिन अगर आपसे बार बार ये कहने लगे और बार बार ये बात होने लगी कि आप एक खुद से फिट कैंडिडेट नहीं है, खुद से एक फिट HR नहीं है, क्योंकि आप हायरिंग ही ऐसे दे रहे हैं, तो फिर आप कहाँ जाएंगे? आपको अपने आपको प्रूफ करने के लिए प्रूफ्स होने चाहिए। ओके, सो यहाँ पे हम सॉल्यूशंस भी साथ साथ डिस्कस करते जा रहे हैं। सेकंड भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये है स्ट्यूपिड पॉलिसीज। ना पॉलिसीज स्ट्यूपिड नहीं होती है, लेकिन अक्सर ऐसा एम्प्लॉयज बोलते हैं यार ये ना बेवकूफों वाली पॉलिसी किसने बनाई है, ये HR की तरफ से आई है। यस, ये स्टेटमेंट बहुत आसान है बोल देना किसी भी HR के लिए या किसी के लिए भी, कि यार ये जो पॉलिसी है ना, देखना कितनी बेकार सी बनाई हुई है, पता नहीं किसके दिमाग में आई है, ये कहीं चलती है, ये किसी ऑर्गेनाइजेशन में होती है, ये किसी कंपनी में होती है। जैसे HR को खुद से एक दिन सपना आया, उसने बहुत सारी पॉलिसी लिखी और दूसरे दिन इंप्लीमेंट कर दी। ऐसे नहीं होता यार, कोई पॉलिसी कैसे ऐसे इंप्लीमेंट कर सकता है? पॉलिसीज को इंप्लीमेंट करने का एक प्रॉपर प्रोसीजर होता है, अगर आपको वो नहीं पता है तो जाके चेक कीजिए,
एम्प्लॉयज से कह रही हूँ मैं, एम्प्लॉयज से कहने का मतलब यह है कि मैं ये सबसे ही कह रही हूँ जो एचआर बनना भी चाहते हैं, जो नहीं जानते हैं प्रोसीजर्स क्या है, कि पॉलिसीज कैसे बनती हैं, कितने अप्रूवल्स होते हैं, उसके बाद जाके पॉलिसीज इंप्लीमेंट होती हैं और उसके बाद रिकमेंडेशन लिए जाती हैं, सजेशन लिए जाते हैं, चेंजेस भी किए जाते हैं, अमेंडमेंट्स भी होते हैं. तो ऐसे ही कोई पॉलिसी नहीं बन जाती कि हाँ आज मैंने सोचा, एक एचआर ने उठ के सोचा और एक पॉलिसी लिखनी शुरू कर दी, किसी की कॉपी पेस्ट करी कहीं से, अपना कुछ सोचा यार नहीं इस पे ये रिस्ट्रिक्शन लगा दूँ, उस पे ये लगा दूँ, और भैया फ्रेम करा के दूसरे दिन डाल दी. नहीं, ऐसा नहीं होता यार. हमें हर एक पॉलिसी को डिफेंड भी करना पड़ेगा, एज पर लॉज होती हैं बहुत सारी पॉलिसीज, एज पर लॉज है, राइट. अगर हमने उन लॉज को कंसिडर नहीं करा है तो हम कभी ना कभी फंस जाएंगे. ओके, सो इसलिए इसका भी एक सिंपल यही सोल्यूशन है कि जब आप पॉलिसी ड्राफ्ट कर रहे हैं तो ड्राफ्ट के समय ही अपने मैनेजर्स को दिखाएं. एक मेरा सेशन भी है हाउ टू मेक पॉलिसीज का, वो ह्यूमन रिसोर्स सीरीज की प्लेलिस्ट में, अगर आप देखना चाहते हैं कि कैसे पॉलिसीज ड्राफ्ट होती है तो वो सेशन भी देख सकते हैं, वो मिल जाएगा आपको प्लेलिस्ट में. अगर नहीं मिलता है तो मुझसे कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हैं, राइट. तो मैं वहीं पे लिंक शेयर कर दूंगी, तो उसको आप देख सकते हैं. और उसमें साफ साफ मेंशन है कि कैसे पॉलिसीज बनती हैं. तो पॉलिसीज भी बनाने का वही तरीका है कि आपने एक ड्राफ्ट बना लिया और उसके बाद आपको अप्रूवल्स लेने होते हैं, सिग्नेचर्स लेने होते हैं, और उसके बाद वो जो पॉलिसीज हैं या तो वो हैंडबुक में बनती हैं, या फिर अगर आप छोटी जगह हैं तो ऐसे ही बता दी जाती हैं, और या फिर मेल के थ्रू तो जाती ही जाती हैं, राइट. मतलब मैं जो आपको बताती हूँ वो स्मॉल, मिड लेवल और लार्ज लेवल ऑर्गेनाइजेशन सबके पर्सपेक्टिव से होता है. तो ऑब्वियसली लार्ज लेवल में बहुत ज्यादा ऑर्गेनाइज होता है, तो वो प्रॉपर एम्प्लॉय हैंडबुक, मेल्स एंड प्रेजेंटेशन के थ्रू होता है. मिड लेवल में भी थोड़ा होता है, थोड़ा रिस्ट्रिक्टेड तरीके से, और जो स्मॉल है वहां पे इतनी चीजें नहीं होती कि हैंडबुक वगैरह बने, सिंपली वन पेजर उनकी पॉलिसीज होती है. लेकिन स्टिल आप चाहे किसी भी लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में हैं, आपको ये चीज ध्यान जरूर रखनी है कि आपको एक ऑर्गेनाइज सिस्टम से ही चलना है. अपने हिसाब से कोई भी पॉलिसी आपको नहीं करनी है, या तो इम्प्लीमेंट नहीं करनी है और चेंजेस भी नहीं करनी. एक चीज और भी माइंड में रखनी जरूरी है, और वो ये है कि अगर आपको कोई ऑल्टरेशंस करने के लिए बोलता है, अमेंडमेंट्स करने के लिए करता है पॉलिसीज में, ये बहुत नॉर्मल है. जैसे कि हम बात कर रहे हैं किसी से और किसी भी सीनियर प्रोफेशनल से, और उसने कहा यार ये चेंजेस होनी चाहिए, तो सर प्लीज मुझे मेल के थ्रू ये चेंजेस बता दें, या फिर आप जरूर उस कन्वर्सेशन का एक मेल उस सीनियर प्रोफेशनल को सेंड करें एंड टेक अप्रूवल फ्रॉम देम. यस, ये बहुत जरूरी है, जरूर अप्रूवल लें कि जो जो डिस्कशन हुआ है एज पर डिस्कशन दिस. मतलब ऑब्वियसली आप प्रॉपर मेल ड्राफ्ट करेंगे प्रोफेशनल वे में अपने सीनियर को, और उसके बाद आप उसका अप्रूवल ले लीजिए, वो या तो अप्रूव कर देंगे मेल में, या फिर आप उसके प्रिंट आउट पे ले सकते हैं, तो उसको भी आप डॉक्यूमेंट कर सकते हैं कि भाई ये अप्रूवल हुआ है, जिससे कि नेक्स्ट टाइम आप नहीं फंसेंगे. क्योंकि यू नो जितने लोगों के पास वो चीज़ पहुंचेगी उतने माइंड्स वर्क करेंगे, और वो हमेशा यही कहेंगे, हमेशा आपको एलिगेट करने की कोशिश करेंगे कि यार ये डिस्कशन नहीं हुआ था, ये बात नहीं हुई थी, अरे जो बात हुई थी वो मैंने पेपर पे लिख दी और आप अग्री कर रहे हैं, और आप मुझे इंस्ट्रक्शंस खुद से दे रहे हैं, और उसके बाद आप मुझे साइन करके दे रहे हैं, और उसके बाद वो पॉलिसी ड्राफ्ट हो रही है, राइट, और उसके बाद वो इंप्लीमेंट हो रही है और जा रही है सब पर. तो यार अब इससे ज़्यादा और क्या होगा. नेक्स्ट इज थर्ड, एंड दिस इज टर्मिनेशंस. यस, एचआर ने भगाया इसको यार, इसकी एचआर से बनती नहीं थी ना यार, इसकी जो फ्रेंड है ना उसकी एचआर से बनती नहीं थी ना यार, ये उस दिन इसने एचआर से ऐसे बोल दिया था ना यार, इसने इसलिए इसका टर्मिनेट तो पक्का था, या इसका टर्मिनेशन होना ही होना था क्योंकि इसकी एचआर से ऐसे बात हो गई थी. अरे यार एचआर एक एम्प्लॉई है, पहले इसको ध्यान रखिए. ऐसे नहीं होता कि मतलब बच्चों की तरह कि हाँ इसकी से बात हो गई, उसने स्कूल में टीचर से बोल दिया और टीचर ने उसे डांट दिया, ये वाली कहानी नहीं होती यार. और एक बात ध्यान रखिए, अगर एचआर की किसी से कुछ प्रॉब्लम होती भी है तो पर्सनल चीजें साइड में रख के अपना काम करना पड़ता है. यस, ऐसे ही काम किया जाता है. पर्सन टू पर्सन डिफर हो सकता है, लेकिन एक एचआर को ये कह देना ये गलत है. पर्सन टू पर्सन तो हर ही प्रोफाइल में पर्सन डिफरेंट हो सकता है ना. मतलब एक एम्प्लॉई जैसे सॉफ्टवेयर इंजीनियर पांच हैं तो सबके अपने नेचर डिफरेंट हो सकते हैं, लेकिन हम ये तो नहीं कह सकते ना कि सॉफ्टवेयर इंजीनियर ही ऐसा होता है, या कोई फाइनेंस प्रोफेशनल ही ऐसा होता है, या मार्केटिंग प्रोफेशनल ही ऐसा होता है. तो ये टैग देना गलत है. पर्सन टू पर्सन हो सकता है डिफरेंट हो, लेकिन टर्मिनेशन जो है यार, किसी को कंपनी से निकालना ये इतनी आसान बात नहीं होती कि बस कुछ बात हो गई और मैंने कंपनी से बाहर निकाल दिया. नहीं, नॉर्म्स है वो फुलफिल करने पड़ेंगे, शो कॉज नोटिस देना पड़ेगा अगर टर्मिनेशन करना है. और टर्मिनेशन हायरिंग मैनेजर की तरफ से कुछ प्रॉब्लम आई, किसी कलीग की तरफ से कुछ प्रॉब्लम आई, बहुत बड़ा मैटर है, वो डिस्कस हो रहा है, उसकी कमिटी फॉर्म हुई, शो कॉज नोटिस दिए गए, एक्सप्लेनेशन दिया गया, उसके बाद कहीं जाके टर्मिनेशन हुआ. यस, और वो टर्मिनेशन मैंने थोड़ी कराया यार, मतलब एचआर ने थोड़ी करा दिया. तो जस्ट थिंक बिफोर यू से एनीथिंग लाइक दिस किसी के लिए भी, ठीक है. सो वैसे तो बहुत सारे और भी पॉइंट्स हैं डिस्कस करने के लिए, लेकिन ये तीन मेजर चीजें हैं जो अक्सर डिस्कस की जाती हैं, एम्प्लॉयज अक्सर डिस्कस करते हैं एचआर के बारे में, राइट. सो इसलिए ये बात हमें ध्यान रखनी चाहिए. नाउ ये टर्मिनेशन का भी जो एक प्रोसेस है, मैंने इसी में आपको सोल्यूशन दे दिया है कि हमारे पास सारी चीजें डॉक्यूमेंटेड होनी चाहिए. बेसिकली इन तीनों का ना एक ही सोल्यूशन, और वो ये प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स, प्रॉपर वर्क करना, प्रॉपर प्रोफेशनल रहना, प्रोफेशनली अपना काम करना. कोई फ्रेंडशिप्स नहीं होते और कोई यू नो फॉरगिव नहीं करेगा. सो इसलिए हमारा अपना काम पक्का होना चाहिए,
प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स, प्रॉपर अप्रूवल्स, सारी चीजें बिल्कुल प्रॉपर होनी चाहिए. बस यही इनके सोल्यूशंस है. अगर हमारे पास ये सब कुछ है तो हमसे जब भी क्वेश्चन किया जाएगा, क्योंकि क्या होता है कि हम सोच रहे हैं ये टॉन्ट्स हैं, कमेंट्स हैं, लेकिन कई बार ऐसा होता है ऑर्गेनाइजेशन में कि ये बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं, क्योंकि बहुत ज्यादा ऐसी पार्टीज हो जाती है जो आपके अगेंस्ट होती है, और वो फिर कहीं ना कहीं धुआं उड़ उड़ के ना वो सीनियर्स के भी कानों में पहुंचता है, और फिर सीनियर्स का भी अगर कुछ आपके साथ प्रॉब्लम होता है कभी, या किसी और सीनियर का होता है, तो अब क्या होता है कि वो फिर ये सारी चीजों को टारगेट किया जाता है बार बार, और आपसे क्वेश्चनिंग जाती है. तो चाहे आपके कलीग्स हो, एम्प्लॉयज हो, मैनेजर्स हो, ओनर्स हो, एम्प्लॉयर्स हो, कोई भी हो, हमारा काम पक्का होना चाहिए, राइट? और हमें सारे डिसीजंस प्रॉपर अप्रूवल पे ही लेने चाहिए. ऐसे नहीं होना चाहिए कि किसी ने मुझसे ऐसे ही उड़ते हुए कुछ बोल दिया, मैंने उसका वो इंस्ट्रक्शन लिया और डायरेक्ट इंप्लीमेंट कर दिया जाके, नहीं. ओके, वैसे ऐसा बहुत पॉसिबल भी नहीं होता. छोटी जगह ऐसा हो जाता है कि ज्यादा, क्योंकि लोग यू नो डॉक्यूमेंट टाइप की चीजों में इंटरेस्टेड नहीं होते, तो इसलिए ऐसा हो जाता है. लेकिन आप हमेशा से ये हैबिट डालिए कि अगर आप किसी स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन में भी काम कर रहे हैं, तो कभी तो बिग ऑर्गेनाइजेशन में जाएंगे, लार्ज लेवल ऑर्गेनाइजेशन में जाएंगे, वहां पे कैसे काम करेंगे, राइट? सो इसलिए आई होप सो दिस वाज हेल्पफुल, एंड प्लीज आप लोग भी मुझे भी कुछ सजेस्ट करें जैसा कि मैंने कहा था. एंड टिल नेक्स्ट वीडियो, ऑल द वेरी बेस्ट, स्टे हैप्पी, स्टे सेफ, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय.